तो बढ़ गया असल में, ये नवराज हिल भाई बैरशो कॉल। ये तुम्हारे यहाँ क्यूट से सब्सक्राइबर आए, हेलो, ठीक हो? तो प्यारी से यार, तो यार आज हमारे भांजे जा रहे हैं। हाँ, क्या देना है? ताबी। इष्ट देवता परम परमेश्वर की कृपा से आज मुझे फाइनली यार दोस्त की नई स्कूटी चलाने का मौका मिला। और आंटी से तो अब मिठाई रहे, कंजूस झंड लोन लेने दिन लाए मिठाई खाली यार, बर्बाद कर दी तूने, रहने दे। इन्हें भी पता है यार बड़ी डार है, कांटे आएगा छोटा। इसे सब्सक्राइबर दान जी, कितना बढ़िया फूल लाए वाले। थैंक यू आंटी, मैंने कभी नहीं सोचा मिल लेते मेरे को। हां 50। तो यार मेरी बुआ लोगों का मेरा मैसेज देख दो, मैं बड़ा हो जाऊंगा, इनको 5000 रुपया गूगल पे करो। हमारी ढोनी है तो कुछ भी ले लो, 10 रुपये। बाप रे, गाड़ी वाले गुस्से में आ गए यार। ये किस्मत खराब इसको बोलते हैं। तब तक ड्रेसिंग करा ठीक है, जो सब मतलब नंगे पाँव भी चला था, सब बढ़िया है। जो पैपी मुख डीट पड़ी दू टेबल में जो लगी है ना पाँव से, मॉर्निंग है दोस्तों। नए दिन की नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग के साथ। पहाड़ों में यार आज काले काले मेघ छाए हुए हैं और आसमान में देख के बताओ कौन से टाइप के मेघ हैं, ये बताओ। जियोग्राफी वाले जो मेरे को देखने बताओ, कुआल बादल से नहीं भेजाओ। तो बारिश होने की फुल संभावना है। बाकी यार मेरे तो पाँव में कल दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, अभी जाके पट्टी करवानी है, बदलनी है। चप्पल भी दोस्त के लाया हूँ, तो चले उल्टा चले बाय बाय। और वो पिताजी अपने सेंसेक्स में लगे हैं, क्योंकि उसमें ना एक भी मिनट अगर आप ध्यान भटकाएंगे तो ऊपर स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर नीचे जा जाती है, जिससे कम देखते हैं। देखो अभी भी नहीं देखेंगे बिल्कुल। एक वक्त खाते हैं वो सुबह, फिर शाम को अंदर खाते हैं हम लोग, दिन भर इसी में रहते हैं चाची। और माता जी आएंगे अभी अपने खेत। चलो फिर बाय, तो चलते हैं मार्केट की ओर, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, चलो चलते हैं। हस्सी कर जाऊँ हस्सी, बाय बाय। यार आधे आधे सब्सक्राइबर ले आएगा डेली, आधेगा मंदिर मैं भेड़ ना बोल। तो सुप्रभात यार दोस्तों, नाइट में लेट बस होने के बावजूद भी अर्ली मॉर्निंग आना पड़ा, क्योंकि हमारे चिर परिचित और पूर्व परिचित हेमराज भी जी दादा, जिनको यार मैं कॉलेज के समय से जानता हूँ, वर्ष 2013-14 का उस समय, और भले उनकी उम्र ज़्यादा लेकिन उनसे मित्रता है। और वर्तमान समय में यार उत्तराखंड सरकार में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सबसे करीबी और इस बीच अपने क्षेत्रीय दौरे में है। और इनके बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि नॉर्मली क्या किया जाता है कि नौकरशाही में अफसरशाही में जो नॉर्मल समस्या होती है काफ़ी जटिल होती हैं, मतलब समस्या नॉर्मल होती है लेकिन उसका तरीका बड़ा जटिल होता है। तो इन चीज़ों में ग्रामीण लोगों की मदद करना, उनके लिए आगे आना है, काफ़ी इनका अच्छा नेचर है। तो आज सुबह यार ऐतिहासिक बालेश्वर महादेव मंदिर स्थल में पूजा पाठ करने के लिए आए हुए, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी यहाँ पे आज, क्योंकि हमारे तो घर का ही मंदिर है, मतलब डेली हम आते आते रहते हैं, आज हमने सोचा क्यों ना हेमराज बिस्जी दादा के साथ यहाँ पे आ जाए। तो बहरहाल यार पूजा पाठ होगी, मैं भी चलता हूँ दुकान की ओर, मिलते हैं थोड़ी बात, तब तक ले बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और बालेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग के परिवार में यश कामना कीर्ति का वैभव हो और सब ने मतलब सद्बुद्धि आए, और जो भी आप लोग जो भी कार्य कर रहे हो उस मार्ग में प्रशस्त हो। जय महादेव, हर हर महादेव, जय बालेश्वर। यार मैं तो कम से कम सद्बुद्धि है, कुछ पाठ करने पर मंदिर में जा रहे हैं तो इतनी देर से खड़ा है, एक घंटे से मेरे को यार कोई होगा मतलब कब हुआ, कबरी क्या बन उम्र, कबरी क्या, मेरे को क्या पता कोई होगा यार बाहर का है, वो फल हल देख रहा होगा, व्यू बना रहा होगा, वहाँ चाहे जब से अब मैंने पूछी कहाँ जम से कहाँ जा रहे हो बर्थडे में किसके हो गया तो मंदिर कर कहाँ जम से कहाँ मतलब तो तैयारी नहीं ना मतलब साला अपन पढ़ाया ऊपर करी हूँ ना इतनी खाली मिला वो काशीपुर का पॉलिटेक्निक कॉलेज काशीपुर पता ही अच्छा ये वही भाई यार मिस्त्री वाला जो कह रहा था मैं आपको अब मैं एग्रीकल्चर वाला हूँ अच्छा मिस्त्री नहीं बन रहा तो चल पता ही तो काशीपुर में कोई भाई इसको मिलेगा मारना मोरना मत यार नहीं भाई है सब्सक्राइबर है उल्टा हरकत बोले भी चूट दिया मतलब नॉर्मल में नहीं
दोस्तों यार ये तो महंगी गाड़ी में आ जाए बैरिवेश और कसो लागो मेरे देख 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 देखो भाई साहब पर्द और दोल बढ़िया गाड़ी नहीं हमरी शिफ्ट वाला आदत है चल लेकिन जरूरत बात तो बढ़ गया थल भैया नवराज हिल भाई बैर छो कॉल ये हटियो ये भैया एक निवार देख दिया ठीक हो यो जब कोई बड़े व्यक्ति के साथ आप बैठे तो ऐसा करना है बस अच्छा ठीक बढ़िया हाँ खिड़की खोल के ये चलिए यार तो यार दोस्तों आज हमारे पुराने चिर परिचित और हेमराज बिस्जी दादा जो कि यार काफी पुराने समय से यहाँ एल बटे ना मतलब पहली बटे अभी ठुल्ला है मणियानो बात अलग है लेकिन इनके अंदर एक अच्छी बात यह है ये अपने पुराने सगे संबंधी को भूलते नहीं है तो मेरे को इनकी अच्छी आदत लगी उतनी तो वर्तमान समय में लोग मानवीय मूल्य भूल जाते हैं मनी ठुल मरनी साल सुनन को जैसे तो और हेमराज बिस्जी दादा ये है कि बालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अब गौचर के और जहाँ जम रहे ना वाले साल में एक बार जनू जब मेरे को ठुल ठुल आती हूँ मैं तो घर बैठे बाजार बाजार उठे घर दुकानदारी में कोई यारी दोस्ती नहीं खराब की है इसको सुधार मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो 150,000 रुपया हाथ में दे सही बात है ना दुकानदारी में ना दोस्ती ने कर तो फिट फिट अब जो सही जो बोले जन निकाले हाँ इसको ऐसे पकड़ना है गिर जाएगा मैं नहीं पकड़ रहा तेरा भाई यार IIT दिल्ली IIT अस्कोट तू पंप नेवे निकालता वहां पे से तो उसकी जगह फिर भी अलग ही है जिसने भी टोड़ा लगाओ बुलाओ ये लो तमीज से कर तमीज से यहाँ यहाँ चोट हो रही है यहाँ कोई बात नहीं यार मेहनत करनी पड़ती है लगता है भाई साला साबण भी अगर कोई किसी को बुलाया होता ना तुमने बाहर से कितने रुपए लेता 2,500 रुपए कहीं नहीं जा चल तो अपने तरह दे 200 रुपए ला खुद ही खराब करके खुद ही सही करके पैसे ला बल एक मेरा अंगूठा में लग रहे है दोबारा लग गया दोबारा यहाँ पे कहीं खून भाए ये देखना तीसरी बार पट्टी कर दी यहाँ हुआ ना खुनियोल यार इस केबल में लगी कैसे कौन इसे ये यहाँ ऐसे पाँव हिला रहा था यहाँ लगी यहाँ खून भाई गाड़ी ने बहुत बाल बाल बचाए कहाँ से आ रहे हो अरे हरेला है ना पौधे लेने जा रहे पर्यावरण प्रेमी दोस्तों एक कुमावनी कहावत है कि अभगु मंगलू कौतिक्यो कौतिका नहीं भ्यो आज हम अकल आई ये फूल भी जड़ गया मिनट में आज हम अकल आई कल हरेला है पौधे लगे और मेन टाइम है शायद इनका लंच टाइम हो रहा है जो भी हो रहा है मतलब लेकिन यार उद्यान विभाग की यार दुर्दशा तो खराब ही हो रही है मतलब अच्छा नहीं लग रहा मतलब ये और यहाँ पे वाटर पंपिंग योजना है बरड़गाड़ यहाँ से जल विद्युत योजना आती है थल की सामने देखिए जो गिर रहा है पानी जो फॉल आ रहा है ये जल विद्युत का ही है यहाँ से देखिए टर्बाइन घूमते हैं यहाँ पे तो आपके मन में एक अगर कभी शंका होती है कभी देखना हो आपने टर्बाइन कैसे घूमते कैसे काम करती है तो थल में भी जो जल विद्युत का उत्पादन है वो होता है तो आप थल आइएगा और यहाँ के देखिएगा टरबाइन किस तरीके से काम करते हैं थैंक यू सो मच आप लोग काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और सबसे मेन चीज जो आप लोग का हमारा अटैचमेंट है ना काफी प्यारा है तो एक सब्सक्राइबर हमारे प्यारे से कल एक वीडियो आई थी मेरे पास हेमा गोबाड़ी जी आप सिल चम्बू क्षेत्र से हैं और वर्तमान में देहरादून में रहते हैं और ढेर सारा प्यार हमारे चैनल को देते हैं थैंक यू सो मच और इसी तरीके से हमारे चैनल पे और प्यार दीजिए और समर्थन कीजिए और जैसे ही हम अपने अगले माइलस्टोन को कैच करेंगे तो मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोग से नवराज सिंह तुम्हारे यहाँ देखो दिल्ली से आए हुए सब्सक्राइबर हैं और सीधे तुम्हारा चैनल लगाया है सीधे डेली कमेंट तुम्हारा है हेमा गोबाड़ी जी है हमारी चम्मू से लेकिन दिल्ली में रहते हैं फरीदाबाद में डेली कमेंट होता है और अभी देहरादून पहुंचे और आते ही मतलब तुम्हारा ब्लॉगिंग आज मतलब छूट गया है दो दिन से यार दोस्तों हमारे कॉलेज समय के साथ ही शुरुआती कॉलेज में इतना डराते थे नए लोग मेरे को लोकल वहाँ के वेलो पिसाड़ के मेरे कैंडिडेट हुए सूरज गिरी तमर को जो ललित मोहन कल्पासी नहीं मोहित कल्पासी मैंने डरून भी मैं लेकिन मैं डरा नहीं आया तो यार भैया आए हैं थलकी बाजार में
और भाई यार हमारे काफी बड़े वाले सपोर्टर हैं, इनको हमारे सारे ब्लॉग याद है, कहाँ पे क्या किया, कहाँ पे क्या करते हैं, चस्सो चस्सो भी याद है, सॉफ्टी कहाँ से खाते हैं भी याद है, मोमो कहाँ से खाते हैं सब चीज याद है। तो भाई बहुत जल्द हम चाहते हैं यार प्रशासनिक सेवाओं में तैयारी कर रहे हैं, अभी जल्दी सेलेक्ट हो जाए ऐसी हमारी आस है, और जैसे सेलेक्ट होंगे तो फिर इनके साथ करेंगे यार पार्टी वगैरह। ये और ये हमारे एचओडी की गाड़ी कहाँ लाई तुम आए, क्या क्यूट से सब्सक्राइबर आए, हेलो ठीक हो, वो तो प्यारी से यार आहा दिख जा, क्या शॉपिंग करने आए हो? हाँ बोल दे, क्या लेने आए हो? जी कितनी क्यूट लग रही है, वाओ। चलो बाय बोल दे, बाय कर दो, बाय बाय। जैसे सब्सक्राइबर दुआनी से कितना बढ़िया फूल लाए वाले, थैंक यू आंटी, मैंने कभी नहीं मतलब मिल लेते। अरे सामान सामान पकड़ यहां वीडियो के लिए, वैसा यो 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 की ला रहा नहीं हो, खरीदा है वो लाया नहीं है, गद्दा के लंगोड़े की सब्जी बनाऊंगी मैं इससे। और अरे प्रणाम, और यो फूल, ये फूल 100 रुपए की लेके आए हो, मैं एक गमला से ही कहाँ मिली तो सस्ते 100 रुपया के, कहाँ से लिया? अंडाने से, बड़ा सस्ते, मेरे को 150 में दे दो। मीनू को फोन करूंगी अभी, कल भेज देंगे पक्का, नब्बू की गाड़ी। चलो बोल देना, तेरे को कितना दिया तुम्हें? मेरे को 50। तो यार मेरी बुआ लोगों का मेरा मैसेज देख दो, मैं बड़ा हो जाऊंगा, 5000 रुपया गूगल पे करो। तो यार हमारी दी आज कसम साहब, कब आज हैं आज, एक ही दिन के लिए आए, खुद खुश रहा मैं दाजू के। दाजू कितना हुआ? कल मेड़ नहीं गया, कल मेड़ में भेजना भी, कल मेड़ में भेजना भी। अरे भेज रहा हूँ, कह रहा हूँ क्यों नाराज हो रहे हो? तो यार दोस्तों पेट्रोल पंप वाले भी पहचान गया अपने, देखो लिफ्ट में आए, फ्री में कभी ना डालने आते हैं ना, मतलब डालना चाहिए यार। बाप रे गाड़ी वाले गुस्से में आ गए यार, यहीं पे तक यार हल्द्वानी थोड़ा ले जा रहा हूँ। मेरे मामा चल फॉर्म में है गया, मन के ले जाऊंगा, मन के ले जाऊंगा। अच्छा तो लाल घड़ी से मालूम थे ना, तब किस्मत खराब इसको बोलते हैं। रात तक ड्रेसिंग करा ठीक है, जो मतलब नंगे पाँव भी चला था सब बढ़िया है, जो पैपी मुख डीट पड़ी दू टेबल में जो लगी है ना पाँव से, फिर खून मैंने लग गया बाबरे का, तो खून बग गया 2 लीटर बग गया। तो मानव शरीर में कितने लीटर खून होता है कमेंट सेक्शन में बताओ, इससे हम आपकी नॉलेज को भी इनहेंस करेंगे ब्लॉग के माध्यम से। हेलो, इन्हीं पाओं को मेरे ससुर जी धोएंगे ऐसे पानी से, इनकी गत ऐसी होगी। कब है? वो लगन तय हो गया है, लड़की नहीं मिली है, लगन तय नवम्बर का है। दुकान में आ गए, जिंदगी जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे डुंगरी क्षेत्र से बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरा बुब छे उना दगड़ू छन, मतलब मेरे दादाजी के मित्र हैं, दादाजी तो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, तो बता रहे हैं कि आपके दादाजी यार प्रॉपर उनका जो ड्यूटी टाइम होता था अपनी ड्यूटी के लिए काफी पाबंद थे वो, शायद वही गुण मेरे पिताजी में भी आए, पिताजी भी ड्यूटी के मामले में मतलब ना ताऊजी पिताजी चाचा लोग इन सब लोगों में बढ़िया गुण है, लेकिन हम जितने भी लड़के हम तो समझ जाओ, तारीफ कर रहा हूँ अपनी सुना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज उस जमाने के 1970 के टाइपिंग की हुई, आपने टाइपिंग सीखी ना हिंदी? हिंदी बताओ यार, आसान ना डेट बताओ मुझे, हिंदी टाइपिंग 1970 के हिंदी टाइपिंग करे हुए हैं, और मेरे दादाजी के साथ ही ये जॉब हॉबी किए हुए हैं। और सबसे मेन खुशी मेरे को क्या हुई, ये दुकान पे आधे मेरे से बोले कि यार जो आप कल्चर के लिए चीजें कर रहे हो वो देखो, एक तो जो नई पीढ़ी है वो मुझसे बोले ना दादा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बिग फैन, अच्छी बात है क्योंकि आप लोग टच में हो और आप लोग सपोर्ट करते हो, उससे हम आगे भी बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच, ऐसा प्यार बना रहे। लेकिन कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर आगे गए ना कि तुम्हारे हम देखते रहते हैं कल्चर के लिए जो कर रहे हो, आपका गांव अपने गांव के लिए जो कर रहे हो, तो कुछ चीजें आपको नहीं भी पता होंगी। तो हम लोग ना हमारा गाँव बलतीर गाँव अपने आप में काफी विकसित गाँव है, आदर्श गाँव है, और बलतीर गाँव का क्या है कि सारी चीजों में पहले रहते हैं, और उसका सबसे ज्यादा जो अहम योगदान जाता है वो जाता है वहाँ की सम्मानित महिलाओं को, जो भजन मंडली हमारे गांव की जो हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं, कल्चरली काफी समृद्ध हैं, और अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा कृषि लैंड मतलब कि कृषि भूमि जो है बलतीर क्षेत्र में सेरा यहाँ पे है, जैसे कि बिंता सोमेश्वर बागेश्वर इन जगहों पे जो लैंड है उसी तरह में बलतीर की लैंड भी काफी फेमस है यार। तो ये जब सुनने को मिलते काफी सुकून देते हैं, अच्छा लगता है, और बुजुर्गों की संगत में हमेशा बैठे, और इनकी संगत में बैठने से हमें ज्ञान भी मिलता है, और किससे मिलते हैं सबसे मेन चीज अनुभव मिलते हैं। तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी वक्त मिले तो बुजुर्गों के यहाँ बैठना है, मैं तो अब तक मेरे दादाजी जीवित थे आमा जीवित थी तो उनके यहाँ बैठता था, कहानी सुनता था, किससे सुनता था, उन्हीं का प्रभाव मुझ में भी आया हुआ है, तो आज यहाँ पे आए हुए तो अच्छा लगा काफी, दुकान में आ जाते हैं बढ़िया लगी मिल हुए। तो जैसे हम हेल्थ कॉन्शियस बने तो हमारी आदतें भी सुधर चुकी है, अब अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल टच नहीं करना है, तो उसके बदले भाई साहब मिले उन्होंने कहा जूस पियो, मेरे को ये तो नहीं पीऊंगा यार गन्ना पक्का पीऊंगा, यहाँ पे मिलता है आपको माल्टे का जूस, लीची का जूस ठंडा सा,
उसके अलावा शरबत, जैम, अचार और अंदर ही पूरी प्रोसेस होती है जो भी मुंह के सामने। अभी ग्लास 20 तो एक बार में एक ही के लिए, औरों के लिए भी बन जाता है दो तीन ऑर्डर होने पे। जूस बन के हो चुका था यहाँ, तो फाइनली इसको प्रोसेस करेंगे गिलास पे डाल के। ये देखिए क्या कहते हो, ये कहेगा नहीं, कहता ही नहीं, ये बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, नहीं कुछ तो कह रहा है, क्यों घूम रहे लिया फोड़ने। मेरी नकल करने लग गया अरे, एक तो इनको पिलाओ फिर मेरे पाँव में कुल्हाड़ी मारे, मेरे को तो ओके लगा। अच्छा एक नंबर है, मजे आ गए, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत लाभदायक है यार। देखा तारीफ का फायदा, तारीफ का फायदा हो। इन्हें पता है बड़ी डाल है कहाँ टेगा छोटा। तो दोस्तों की दुकान माने का कई बार फायदा हो जाता है आंटी जी हमारी, और आंटी से तो अब मिठाई रहे कंजूस झंड लोन लेने दिन लाए मिठाई खाली यार बर्बाद कर दी तूने, रहने देती नीचे तो यार देखो ना मिलानी थी ना चॉकलेट मीठा चाह और शाम का टाइम क्या मैं तो हूं यूं बारिश में सिर पूरंदा बोझू मैच कौन देखे खुश है यानी ये हो जाए पहाड़ी मेला मैच कौन देखे और नहीं बारी ना मैच गया नहीं 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 चुप रहो। हमारे भांजे जा रहे हैं, हाँ क्या देना है ताबी, आप तनिष कहाँ जा रहे हो, हैं कर उयो उयो